हाय स्टूडेंट, तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर जो है कंप्लीट किया। अब ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ये फिजिक्स बेस्ड है और फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, अगर आपको किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छी तरह कंसेप्चुअली समझना है तो ये बात ध्यान दो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे उतना कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बच्चे गलती क्या करते हैं, फार्मूला को बिना समझे उसे याद कर लेते हैं। आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये बात का आप अच्छी तरह ध्यान रखो कि हमने फार्मूला जो भी देखा वो थ्योरी में किस पार्ट के लिए देखा, यानी उस फार्मूले में जो टर्म्स दिए हैं हर टर्म का मीनिंग क्या है और उसका कैसे यूज करना है वो आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। नहीं तो फार्मूला खाली रट लिया और आपको मतलब नहीं मालूम है, सम आपने पढ़ा उसमें वैल्यू पुट कर दी आपको आंसर आ गया, ऐसा एक दो बार आपके सम राइट होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों ये सबसे जरूरी है कि आपको फार्मूला में हर चीज के बारे में पता हो। फार्मूला कैसे आया था वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप फार्मूला पढ़ते हो तुरंत आपके माइंड में पिक्चर चलना चाहिए कि हाँ हमने ये फार्मूला यहाँ यहाँ पे डिराइव किया था। तो चलो अब इसमें आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो, यहाँ पर मैंने फार्मूलास लिखा हुआ है। पहले सारे फार्मूलास हम डिस्कस कर लेंगे कि ये फार्मूलास आपने कहाँ कहाँ पे देखे थे और उसके बाद फिर हम सम्स को स्टार्ट करेंगे। तो ग्रेविटेशन, इसके न्यूमेरिकल्स, चलो फर्स्ट फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों ये फॉर्मूला हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। आपको मालूम है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। मान लो यहां पे खाली जगह मैं आपको बता दूं, ये समझो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट का ये सेंटर है और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, इसका मास एम वन है, इसका मास एफ टू है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मासेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलते हो तो यहाँ पे जी मिलता है जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत सारे बच्चे ये कैपिटल जी और ये स्मॉल जी में कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन नहीं बच्चों, स्मॉल जी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसका वैल्यू अर्थ पर एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और ये जी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कैपिटल जी ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और आपको इसका वैल्यू भी याद रखना है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका यूनिट भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आप वीडियोस को फिर से चला करके देखो जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, उसमें मैंने आपको यह भी बताया है कि ये कैसे आता है। ओके, उसके बाद अब यहां पर यही फॉर्मूला, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है तो उस वक्त अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस फॉर्मूले से मिलता है, जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल एम क्या है, जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, समझे। तो इसी फॉर्मूले का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। जब आपको कोई दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे तो ये फॉर्मूला, और अगर अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद अगला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये फॉर्मूला आया कैसे था, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, यानी एफ इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एम जी लिख सकते हो, और यही एफ किसके बराबर है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के, यहां पे जो हमने फॉर्मूला देखा। अब यहां से m और m क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, तो आपको क्या मिला था, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर मिला था। f इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और अर्थ के सरफेस पर इसे हम a इज इक्वल टू g लिखते हैं। तो g इज इक्वल टू क्या गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स वेदर इट इज बिग और स्मॉल, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे स्मॉल m है ही नहीं, ये किस पे डिपेंड है, एक तो कोई भी प्लैनेट का जो मास है उस पर, और उस प्लैनेट का जो रेडियस है उस पर डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो याद रखना स्मॉल जी, और अर्थ के सरफेस, अर्थ के लिए इसका एवरेज वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, अब सेंट्रीपिटल फोर्स ये सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट के लिए रहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो ऐसे वक्त में एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होता है जो सेंटर सीकिंग फोर्स होता है, इसे सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां पर आर क्या है, जो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट है उसने जो सर्कल बनाया हुआ है उसका जो रेडियस है वो यहां पे क्या है, आर है। वैसे फॉर्मूला हम रेयरली यूज करने वाले हैं, फिर भी हम याद रखेंगे, एम फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, आर रेडियस ऑफ सर्कल, ये समझ में आ गया। फिर थ्री लॉज ऑफ इक्वेशन, नहीं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो आप नाइन स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। तो पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब आपको शायद याद होगा हमने देखा था जब कोई ऑब्जेक्ट खाली ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है अलोन और कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्री फॉल में है। फ्री फॉल में जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहा हूं तो उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो फ्री फॉल के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, v इज इक्वल टू जी टी। जब भी आपको बोला जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप किया गया है तो आप ये समझ जाओ कि ये क्वेश्चन फ्री फॉल से रिलेटेड है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस क्या आ गया, ए टी। अब u जीरो हो गया तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, जी टी हो गया। s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और टाइम इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताता है। u अगर जीरो हो जाए तो ut पूरा जीरो हो गया तो s इज इक्वल टू वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर होगा, किसके लिए, फ्री फॉल के लिए। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है। अब u अगर मैं जीरो कर दूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एस हो जाएगा, और a इज इक्वल टू क्या, जी एस है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टू जी एस मिलेगा। अब यहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू g क्या है, एक्सेलरेशन, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो ऐसे वक्त में उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है, मतलब उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो a इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा, और जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो उसमें जो उसका एक्सेलरेशन कम होते होते लास्ट में जीरो हो जाता है, तो फिर a इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव। आप खाली इतना याद रखना, नीचे से ऊपर फेंका तो a का वैल्यू नेगेटिव, ऊपर से नीचे आया तो a का वैल्यू पॉजिटिव। और अभी फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पार्ट, मास एंड वेट। ये बात याद रखना बच्चों, आप मून पर किसी ऑब्जेक्ट का मास लो, अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का मास लो, जुपिटर किसी भी प्लैनेट पे कहीं भी आप ऑब्जेक्ट का मास लो, ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट होगा। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन एनी प्लैनेट। हाँ, लेकिन वेट जो है ये किस पे डिपेंड होता है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है एमजी, एम फॉर मास, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होता है, क्योंकि हर प्लैनेट का मास और रेडियस क्या होगा अलग अलग होगा। आपने देखा जी का वैल्यू किस पर डिपेंड है, मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो इसके लिए वेट जो है हर प्लैनेट पर अलग अलग होगा। अर्थ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 60 केजी है तो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का 1/6 है, तो वहां पे 6 केजी हो जाएगा। तो ये बात, ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। एस्केप वेलोसिटी क्या था, एस्केप वेलोसिटी द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज इजेक्टेड और विद द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज thrown so that it can escape the gravitational force of the earth and will never come back on the earth is called as a escape velocity. Iska formula kya tha, square root of 2gm upon kya tha, r tha, aur isi ko hum kya likh sakte hain, square root of 2gr. ye maine aapko, aap video dekhna, usme maine aapko prove karke bataya hua, ye bahut easy hai. khali aapko kya karna hai, jo g hai na uska value yahan put kar dena hai. g ka value aapko kahan se milega, yahan se mil jayega. जी का वैल्यू क्या होगा mm, या आप आर स्क्वायर वहां भेज दो, एक मिनट, हाँ यहां से, सॉरी यहां से मिलेगा आपको जी इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर, उधर आ गया आर स्क्वायर जी, और फिर यहां पे अपॉन क्या होगा m होगा, वो वैल्यू आप वहां पुट कर दो, आप देखोगे कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2gr मिल जाएगा। एक बार ये भी करके आप देख लेना। तो फिलहाल इतना फॉर्मूलास पर हम सम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा दो फॉर्मूले और बच जाते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो सम सॉल्व करते हैं, वो फॉर्मूलाज में आपको बता दूंगा। तो बच्चों ये फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह समझ लेना है, खाली रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूला समझ लेना है। आपको याद रखना है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाएगी तो ये फॉर्मूला, जब अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की बात की जाएगी तो ये फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए ये फॉर्मूला, सेंटीपेटल फोर्स के लिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको याद, और मास और वेलोसिटी, और फिर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मैं आपको बता चुका हूं। ओके बच्चों, अब आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसमें ए से लेकर के जी तक के क्वेश्चंस दिए हैं, हम लोग ये सम्स लास्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना चालू करने वाले हैं, जी से, ठीक है। मैं पर्पसली लास्ट क्वेश्चन से ले रहा हूं, क्योंकि क्या होता है लास्ट क्वेश्चन आते आते बहुत से बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और बहुत बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में दिए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं लास्ट क्वेश्चन से चालू कर रहा हूं। ये क्वेश्चन समझने के लिए पहले तो कुछ बातें हमें समझनी होगी। आप यहां पे देख रहे हो 10^24, 10^11, 10^23, इस टाइप के नंबर्स आपको दिए हुए हैं। तो बच्चों पहले तो ये कैसे सॉल्व करते हैं वो आप समझ लो। अगर आपको ऐसा दिया है 10^23 इंटू 10^11 ऐसा दिया है, तो बच्चों आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला सीखा हुआ है a^n इज इक्वल टू a^m+n होता है। तो यहां पर ये a^m है और ये a^n है, तो इसका आंसर क्या आएगा 10^23 + 11 10^34। अब कैसे समझोगे, यहां पे 10 कितनी बार है 23 टाइम है, यहां पे 10 कितना है 11 टाइम है, मतलब पूरा मिलाकर के 10 कितना हो गया 34 टाइम हो गया, ठीक है। अब बच्चों अगर ऐसा दिया है 10^-11 इंटू 10^40, तो इसका आंसर क्या आएगा 10^-11 + 40, यानी इसका आंसर आएगा 10^-29, ठीक है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब अगर आपको ऐसा दिया हुआ है 10^23 / 10^10, अब इसका क्या मतलब है कि यहां पे 10 23 टाइम्स है और यहां पे 10 10 टाइम्स है, तो 10 टाइम 10 ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, यानी खाली क्या बचेगा 13 टाइम बचेगा। वैसे
एक और फॉर्मूला मैथमेटिक्स में है, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन होता है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10^23 - 10, तो ये आ जाएगा 10^13। ठीक है, तो ये रेस टू वाले क्वेश्चंस को हम इस वे से सॉल्व करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मुझे ऐसा वैल्यू मिल रहा है 23,000, तो ये 23,000 को मैं लिख सकता हूं 23 × 10^3, क्योंकि 10^3 मतलब क्या हो गया 1000 हो गया, तो 23 इंटू क्या लिख सकते हो 10^3। ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई नंबर है अब बच्चों गड़बड़ क्या हो जाएगी, इतना बड़ा स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, पहला तो ये प्रॉब्लम। दूसरी बात है इसके पीछे एक और कांसेप्ट है जो आप 11 स्टैंडर्ड में सीखोगे, फिलहाल आप खाली इतना ध्यान दो कि इसको कंडेंस फॉर्म में करने के लिए बेटर क्या रहेगा लिखना 14 × यहां पे क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10^8 ऐसा लिखना बेटर रहेगा। समझ में आया। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1.4 × 10^9, मैंने 1.4 किया ना, मतलब इसको मैंने क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया, तो एडजस्ट करने के लिए ऊपर क्या किया 10 से मैंने इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, तो ऊपर मैंने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1.4 हो गया और ये 10^9 हो गया। अगर मैं 0.14 करूं तो बच्चों ये 10^2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो। अब फिर इसमें से क्या है 0.14 × 10^2 × 10^8 अगर मैं ऐसे लिखूं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से क्या होगा 14 × 10^8, वही बात वापस आ गई। ठीक है, तो जैसे जैसे सम्स आते जाएंगे मैं हर बार जब भी ये इस टाइप का प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस वे से सॉल्व करना है, क्योंकि यहीं पर आपका कंफ्यूजन रहता है। चलिए अब सम की ओर बढ़ते हैं। The mass of Earth is 6 × 10^24. The distance between the Earth and Sun is 1.5 × 10^11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 × 10^22 newton, what is the mass of the Sun? और G का वैल्यू कितना दिया है 6.7 × 10^-11 newton meter square per kilogram raise to minus 2 और किलोग्राम रेस टू माइनस टू मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है पर किलोग्राम स्क्वायर, ऊपर चला गया तो क्या हो गया माइनस टू करके लिख दिया हमने। अब बच्चों यहां पे जब आप सम पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको आप ये सोचो कि विजुलाइज करो क्या बोल रहा है। द मास ऑफ अर्थ, अर्थ है उसका मास दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन और दूसरा सन है, समझो ये मास ऑफ द अर्थ हो गया, ये मास ऑफ द सन हो गया, दोनों के सेंटर्स। अब इसमें मास ऑफ द अर्थ एम ई आपको दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है जो कि हम आर से डिनोट करते हैं, वो हमको दिया है 1.5 × 10^11 meter। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा ये दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको दिया हुआ है, तो आप समझ जाओ कि इससे क्या फॉर्मूला बनता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है मतलब एफ की बात कर रहा है, जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, दो ऑब्जेक्ट के मासेस दिए हुए हैं उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी ये फॉर्मूला यहां पर फिट बैठता है। समझे, तो जब भी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना सम्स को, तो विजुअलाइज करने का सोचने का क्या कंडीशन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली आप सम को स्टार्ट करने का। अब बच्चों यहां पे सबसे पहला काम करो आप लिख दो गिवन। अब गिवन में क्या है, मास ऑफ अर्थ मतलब आपको दिया है एम ई, कितना दिया है 6 × 10^24 kg। The distance between the Earth and the Sun,
R is equal to 1.5 × 10^11 meter. Gravitational force between the two is, मतलब F बच्चो, force को किससे दिखाते हैं, F से, कितना है, 3.5 × 10^22 newton. What is the mass of the sun? Mass of the sun, अब ये ले लो mass of the sun. Okay, mass of the sun, ये आपको क्या करना है, find करना है, और G का value आपको दिया हुआ है, तो इसको लिख देते हैं, to find out, what do you have to find out? Mass of the sun. ठीक है, तो अब यहां पे formula, क्या आएगा formula? Gravitational force is equal to G into mass of the earth into mass of the sun upon square of the distance between them. ठीक है, अब values put करो, F या आप ऐसे लिख सकते हो, आपको क्या find करना है, m mass of the sun find करना है. तो फिर हम यहीं पर अपने calculation को और easy करने के लिए जो हमें find करना है उसको मैं यहां छोड़ देता हूं, mass of the sun, F ये यहां पे डिवाइड कर रहा है तो यहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, और यहां पे G आ गया, और ये क्या आ गया, m ही आ गया, इज इक्वल टू क्या बचा, मास ऑफ द सन. समझ गए बच्चों, अब मास ऑफ द सन इज इक्वल टू F. व्हाट इज F? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू कितना है, 3.5 × 10^22 R square, R कितना है, 1.5, तो 1.5 × 10^11 का स्क्वायर. कुछ तो रह गया, हाँ ये, अच्छा जी और एम ही नीचे है, ठीक है, राइट है. चलो अब यहां पे जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है, 6.7 × 10^-11 इंटू एम ई मास ऑफ द अर्थ, 6 × 10^24. समझ गए. चलिए अब यहां पे क्या आएगा, मास ऑफ द सन 3.5 × 10^22 × 1.5 का स्क्वायर 2.25 × 10^22 कैसे आता है, 10^11 का स्क्वायर 10^11 × 2 क्योंकि a^n बच्चों होता है a^m × n. ठीक है, अब ये होने के बाद अपॉन 6.7 × 6 × 10^-11 प्लस 24 याद है, a^m × a^m + n तो −11 + 24. मास ऑफ द सन 3.5 × 2.25 × 10^22 × 10^22 10^22 + 2 upon, we'll multiply this, 6 × 7 = 42 carry 4, 6 × 6 = 36 + 4 = 40 decimal एक नंबर के एक डिजिट के बाद है, मतलब 40.2 × 10^-11 + 24 = 13. फिर मास ऑफ द सन इज इक्वल टू 2.25
इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 कैरी 2 5 2 जा 10 और 2 12 5 2 जा 10 और 1 11 0 3 5 जा 15 कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7 3 2 जा 6 तो 7 8 7 5 1 2 3 मतलब 7.875 इंटू 10^24 डिवाइडेड बाय 40.2 इंटू 10^13। ठीक है बच्चों, अब मास ऑफ द सन 7.875 डिवाइडेड बाय 40.2 इंटू 10^24 सॉरी 10^44 आएगा बच्चों, यहाँ पे 10^44 माइनस 13 क्योंकि a^n / a^n / a^m-n होता है, तो 44 माइनस क्या क्या 13 क्या। अब ये डिवीजन मैं यहां लिख देता हूं, मास ऑफ द सन इज इक्वल टू 7.875 1 2 3 ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 7875 और नीचे आ जाएगा 4020 एक पीछे गया, देखो यहां पर इसके लिए यहां पे आ गया, फिर दो मतलब एक और जीरो आ गया इंटू 10^44 में से 13 गया 31। ये समझ में आ रहा है। अब बच्चों जब आप ये डिवीजन करोगे 7875 डिवाइडेड बाय 40200 तो ये बड़ा है तो यहां पे पॉइंट देना पड़ेगा, यहां पे जीरो करना पड़ेगा, पहले वन टाइम जाएगा 40200 ये 0 5 7 में से 2 गया 5 यहां पे 8 और ये 3 36 ऐसा नंबर आ रहा है। इसका मतलब एक और जीरो यहां बढ़ा देते हैं और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 9 2 जा 18 कैरी 1 फिर 1 9 4 जा 36 0 0 15 में से 8 गया 7 4 में से 1 गया 3 2 तो यहां पे 5 तक जाएगा राइट, तो यहां पे 5 से लेके जाते हैं, चलो तो 5 से लेके गए एक जीरो बढ़ा दिया 0 0 5 2 जा 10 फिर 1 5 4 जा 20 0 0 0 7 7 6 36 तो आगे जो नंबर आएगा ना वो यहां पे 36 है मतलब 9 के आसपास आएगा, यानी मास ऑफ द सन इज इक्वल टू 0.19। ये अगर नंबर अगर 8 आता है या 9 आता है तो हम एक नंबर यहां ऐड कर देते हैं इंटू 10^31 तो मास ऑफ द सन अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1.96 इंटू 10^2 देखो कैसे क्या मैंने 0.196 इंटू 10^31 है ना, इसमें से एक 10 बाहर निकाला तो यहां पे क्या बचा 10^30 बचा, क्यों बाहर निकाला ताकि 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर देगा तो ये क्या हो जाएगा डेसिमल एक नंबर पीछे चला जाएगा 1.96 इंटू 10^30 केजी। तो मास ऑफ द सन कितना आ गया 1.96 इंटू 10^30 केजी, ये आपका आंसर आ गया मास ऑफ द सन। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, मैंने जानबूझ करके आपको सारे कैलकुलेशंस भी करके दिखाए ताकि आपको ये नहीं लगे कि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको लेकिन आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब उसका प्रीवियस क्वेश्चन, द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 × 10^24 एंड 7.4 × 10^22 केजी रिस्पेक्टिवली,
द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू. वैल्यू ऑफ जी इज 6.7 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम रेस्ट टू माइनस टू. ओके, और किलोग्राम इनवर्स टू. नाउ विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली. द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून, मतलब अर्थ और मून का मास दिया हुआ है, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको फाइंड करना है. तो समझ जाओ, वापस वही फॉर्मूला यूज होगा. एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू एम और एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर. तो गिवन में क्या आ जाएगा, द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून. द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून, तो एम ई मीन्स द मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁴ kg. उसके बाद मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून mm, द मास ऑफ द मून कितना है, 7.4 × 10⁴ kg. द डिस्टेंस बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब आर इज इक्वल टू 3.84 × 10⁵ किलोमीटर. 10⁵ किलोमीटर. बच्चों अब ये किसमें दिया है, किलोमीटर में दिया है. सब यूनिट एक ही सिस्टम में होना चाहिए, या तो MKS या CGS. तो यहाँ पे किलोमीटर है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे करोगे देखो, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर. तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 3.84 × 10⁵ × 10³ करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1000 मतलब क्या हो गया, 10³ हो गया. तो ये 3.84 × 10⁸ मीटर, ये इसमें ध्यान देना, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3.84 × 10⁵ × 10³ मीटर, और विच इज इक्वल टू 3.84 × 10⁸ मीटर. तो ये हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया. किसको, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया. ओके, और जी का वैल्यू तो आपको दिया ही हुआ है, वो भी आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हो. टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है आपको, आपको फाइंड आउट करना है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, मतलब एफ का वैल्यू इस बार आपको फाइंड करना है. सॉल्यूशन, पहले फॉर्मूला लिख दो, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फॉर्मूला लिख के करोगे तो भी चलेगा. तो अब यहाँ पे बच्चों एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम वन क्या है, एम ई है, इंटू एम टू क्या है, एम एम है, अपॉन क्या लिखोगे आप, आर स्क्वायर. तो अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए वैल्यूज को हम पुट करते हैं. तो बच्चों एफ इज इक्वल टू जी, जी क्या लिखोगे, 6.7 × 10⁻¹. ये हमने क्या लिखा, जी लिखा. एम ई, एम ई क्या दिया है, ये हटा देता हूं मैं यहां से. एम ई आपको दिया है 6 × 10⁴, और एम एम मास ऑफ द मून 7.4 × 10⁴ डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है 3.84 × 10⁸ और उसका स्क्वायर. तो बच्चों एफ इज इक्वल टू 6.7 × 6 × 7.4 × 10⁻¹¹ × 10⁻²⁴ डिवाइडेड बाय
3.84 × 3.84 10^8 का स्क्वायर, तो 10^8 क्या आ जाएगा 16। वापस बता देता हूँ, a^n होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना गया 10^16 आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हाँ ये 22 है बच्चों, मास ऑफ द मून कितना है 22 है, 7.4 × 10^2। ये सब का ध्यान रखने का, अगर एक जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो पूरा सम रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6.7 × 6 6 7 या 42 carry 4 6 या 36 और 4 40, तो 40.2 × 7.4 × 10^2 A M और N, तो जितने भी पावर्स हैं ये सब पावर्स को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, अपॉन 3.84 × 3.84, तो 3.84 × 3.84, 4 4 = 16, 4 8 = 32 और 33, 4 3 = 12 और 3 15। वापस करो, 4 4 = 16 से 6 carry 1, 4 8 = 32 + 1 = 33, 4 3 = 12 + 3 = 15, फिर यहाँ पे 0, 8 4 = 32 carry 3, 8 8 = 64 + 3 = 67, 8 3 = 24 + 6 = 13, 8 4 = 32 + 2 carry 3, 8 8 = 64 + 3 = 67, 8 3 = 24 + 6 = 30, फिर यहाँ पे 2 0, 3 4 = 12 carry 1, 3 8 = 24 + 1 = 25 carry 2, 3 3 = 9 और 2 11, बच्चों 6 5 7 2 9 और 5 14, 5 1 6 और ये 7, और 3 और 1 4 और 1, ओके। तो मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिलेगा 1 4 7 4, तो देखते हैं, चेक करते हैं 1 2 1 2, तो ये पीछे वाले नंबर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो कितना आ जाएगा 14.74 × 10^16, 14.74 × 10^16, ठीक है। अब ये होने के बाद F इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करो 40.2 × 7.4, राइट। अब 40.2 × 7.4, 4 2 = 8 4 0 0 4 4 = 16 0, 7 2 = 14 carry 1 1 28 8 4 7 9 2 1 2, तो ये आ जाएगा पूरा मल्टीप्लाई करने पर 297.48, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 297.48 डिवाइडेड बाय 14.74 × अब क्या करोगे 10^2 24 + 22 = 46, 46 - 11 = 35, तो यहाँ पे कितना गया 10^2 = 35 आ गया, और नीचे क्या आ गया 10^16, 10^35, 10^2 क्या लिखा आपने 16 लिखा, ठीक है बच्चों। अब थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये मिटा देते हैं, अब हमको फाइनल डिवीजन करना है, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू 297.48 डिवाइडेड बाय 14.74 ×
10^-35 - 16 a^m / a^n रहेगा ना, तो फिर क्या होगा, a^m - n हो जाएगा, राइट। अब ये डिवाइड करो 297.48 डिवाइडेड बाय 14.74, इसका डिवीजन। तो बच्चों 297.48 डिवाइडेड बाय 1474, राइट। तो पहले शायद 2 से जाएगा, 2, 4 जा 8 कैरी नहीं रहेगा, 2, 7 जा 14 से 4 कैरी 1, 2, 4 जा 8 और 1, 9 ओके। तो ये 268 आ गया, पहले 26 डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो फिर 8 को नीचे लिया, तो यहाँ पॉइंट दिया, फिर 0 दिया, अब यहाँ 0 दिया तो यहाँ भी 0 बनाना पड़ा, और फिर ये 1 से जाएगा तो 1474। 0 में से 10 में से 4 गया 6, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 4 गया, नहीं यहाँ तो 6 में से 4 गया 2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ओके 1 जा 1474। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो फिर हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, क्योंकि 1206 1474 से छोटा है। तो अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे 9 तक जाएगा, है ना, 9, 4 जा 36 और 9, 3 जा 12, 20.19 और 20.18 के आसपास आएगा। कर ही लेते हैं 1474 × 9, 9, 4 जा 36 कैरी क्या आ गया 3, 9, 7 जा 63 प्लस 3 कितना हो गया 66, राइट। कैरी कितना बचा 6, 9, 4 जा 36 और 6, 42, 9, 1 जा 13 ओके, मतलब 8 तक जाएगा, तो 20.18। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू 20.18 × 35 में से 16 गया, 35 में से 16 गया तो कितना आ गया 19 आ गया, मतलब ये हो जाएगा 20.18 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.018 × 10^20। मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक नंबर पीछे आ गया 2.018, और वहाँ पे 10^20 हो गया। तो मतलब F इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, 2 × 10^20 न्यूटन। तो ये आपका आंसर था। अच्छा बच्चों, ये दो सम सबसे कॉम्प्लिकेटेड सम्स थे, मैंने आपको सारे कैलकुलेशंस भी करके दिखाए, मैंने देखा कि एग्जाम में अगर ये सम आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, या कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी आता है। देखना इसके साथ में अगर इजी क्वेश्चन होगा तो वो सॉल्व करो, नहीं तो फिर इसी को सॉल्व करने का, थोड़ा प्रैक्टिस करके रखोगे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे, ओके, फिर आपका ये कैलकुलेशन फटाफट फटाफट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।